Let it go. Auto puts her like, whoa. Thing I go. Oh, it over. I see. And you're the better now, girl. Yeah, got your cup, yeah. 너와 있을 때, I swear. 제가 뭔 더 zero. 폭설혹한 게 chill돼. 꿈에도 I wasn't aware. 나만 빼고 넌 모두에게 참 친절해. 배신감이 들었단 판이 돼도 머릿속을 흔들 네 ibuprofen 그만해 it's time to stop 승부욕을 자극하는 style yeah. 알면서도 마음이 자꾸 내게 가 아마 빠져버릴까 if you want me back. अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गवाला अज़रबैजान. और सुबह से यहाँ पे बारिश हो रही थी, तो अभी अराउंड 2 बज गए हुए हैं. अगेन आज दिन स्टार्ट 2 बजे हो रहा है यहाँ पे, और बारिश की वजह से हमने थोड़ा सा डिले किया. और अभी प्लान कुछ इस तरह से है कि यहाँ की कुछ अट्रैक्शंस हैं 3-4, वो देखनी है. एक लेक है, एक वाटरफॉल है, और एक माउंटेन टॉप है जहाँ से पूरा गवाला का व्यू नज़र आता है, वो देखेंगे. देन उसके बाद यहाँ से शैकी जाएंगे. शैकी जो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर एक और सिटी है जो कि हिस्टोरिकल सिटी है, वो देख के तो फिर रात का प्लान वहीं पर कहीं पर करेंगे. तो यहाँ पर जहाँ पर रुका हूँ रात को, वैसे मैंने अंदर से तो दिखा दिया था, बाहर से मैं अभी आपको दिखा देता हूँ. अभी सो रहे थे तो वो जिस अंकल का है, अंकल ने आगे जो है ना वो पूरा एक ड्रामा बना दिया कि भाई जल्दी जल्दी निकलो आप लोग यहाँ से, चेकआउट का टाइम हो गया है, मुझे सफाई करके किसी और को देना है ये विला. तो अभी हम लोगों ने ऐसे ही उठा कर सामान गाड़ी में फेंक दिया. ये देखें, ये सामान अभी बंदों के हाथों में जो है ना वो कब भी पकड़े हुए हैं नाश्ते के. और ये था जो विला हम लोगों ने बुक किया हुआ था बाहर से, अंदर से मैंने आपको रात में दिखा दिया था. ये अंकल को इतनी जल्दी लगी हुई है, अंकल ने खुद उठाकर हमारा सामान जो है ना वो डाला है गाड़ी की डिग्गी में कि भाई तुम लोग बस निकल जाओ किसी तरह यहाँ से, क्योंकि वो उनके क्लाइंट शायद आए हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं जाने का. और ये बाहर का कुछ इस तरह का व्यू है इस एरिया का. चूँकि अभी बारिश हुई हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, सुबह तो काफ़ी तेज़ थी. ये कुछ इस तरह से है, और बादल वादल काफ़ी नीचे हैं और काफ़ी ग्रीन जो है ना वो ये है. अच्छा, एक और चीज़ यहाँ की जो सबसे ज़बरदस्त है कि यहाँ पे जो है ना गवर्नमेंट ने सारी सोसाइटी है ये विलाज की सब एक जैसे बनाए हुए हैं, और उनका जो है स्ट्रक्चर वो सब सेम है. बाहर से बाउंड्री वॉल सेम है, इवन के अंदर से ये वाला जो है वो खाली भी है लेकिन इसकी बाउंड्री वॉल सेम की हुई है. तो आपको पूरे गवाला टाउन में आपको जो वॉल मिलेगी वो ऐसी ही मिलेगी, और ट्रैफिक तो है ही नहीं है बिल्कुल भी. तो रात भी निकले थे खाना खाने के लिए लेकिन कुछ नहीं मिला, बंद था सब कुछ. रिकमेंड मैं आपको ये करूँगा, अगर यहाँ पे आप आ रहे हैं और रहना चाह रहे हैं. नॉर्मली जितने भी टूर्स वगैरह आते हैं वो डे ट्रिप करते हैं यहाँ पे, तो बाकू से आते हैं डे ट्रिप करके वापस शाम में चले जाते हैं. अगर आपने यहाँ पे स्टे करना है, डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त जगह है स्टे करने की जगह है, लेकिन आपके पास गाड़ी होना ज़रूरी है. तो अभी निकलते हैं आगे, अभी हम लोगों ने नाश्ता भी करना है, नाश्ता करके तो फिर आगे की अट्रैक्शन एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे.
चलें जी, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है ये गवाला में, सेम बिल्कुल सामने आपको पड़ेगा जो इनका कांग्रेस हॉल है उसके बिल्कुल सामने राजा इंडियन रेस्टोरेंट है, इंडियन लेकिन शेफ पाकिस्तानी है। यहाँ पे लग रहे थे, चलिए। तो नाश्ते में जो हम लोगों ने ऑर्डर किया वो ये चिकन कढ़ाई एंड ऑमलेट, पाकिस्तानी ऑमलेट और पराठे। तो फिलहाल नाश्ता इंजॉय कर रहे हैं, देन उसके बाद आगे का जो प्लान है वो मैं पहले बता चुका हूँ। 3-4 डेस्टिनेशन है यहाँ पे जो अट्रैक्शंस हैं वो देखेंगे, उसके बाद आज शाम में इंशाल्लाह जाके शेकी स्टे करेंगे। जी ब्रेकफास्ट हो गया हमारा और ये सामने जो कांग्रेस हॉल है इनका गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, मैंने कहा थोड़ी सी यहाँ पे फोटोग्राफी कर लें। और अभी सूरज जो है ना वो ठीक हो गया, मतलब वेदर थोड़ा सा ठीक हो गया, सर्दी है यहाँ पे 15-16 टेम्परेचर है, धूप निकल आई हुई है, अब हल्की हल्की सी बारिश रुक गई हुई है। तो ये देख लेते हैं अब पहले, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। चलें जी, अनदर डेस्टिनेशन इन गबाला, ये है नहूर लेक जो कि गबाला सेंटर सिटी से आपको 8 किलोमीटर की ड्राइव पे पड़ेगी। मैप पे आप लगाएंगे, हम भी मैप पे लगा कर पहुँचे हैं, मैप पे लगाएंगे तो 8 किलोमीटर के बाद आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। गाड़ी होना मस्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई नहीं आएगी यहाँ पे। तो लेक कुछ देखने में ऐसी, आपको ज़रा लेक दिखा देता हूँ। Thank you.
करण जी, ये आ गया एक वाटरफॉल जिसका नाम है सेवन गुजेल, मीन्स यदीन गुजेल वाटरफॉल लोकल नेम है, लेकिन सेवन गुजेल लिखा हुआ है। और वाटरफॉल्स ऊपर है, रास्ता यहाँ से जाते हैं। ये है जी यदीन गुजेल वाटरफॉल्स, और रास्ता कोई अगेन 1000 सीढ़ियाँ चढ़ के जानी है ऊपर। 7 वाटरफॉल्स हैं इस एरिया में, तो एक दो तो मुझे नज़र आ रहे हैं, बाकी ऊपर जा रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ पे मिलते हैं। ऐसा कुछ एरिया है, ये दो पहाड़ हैं बस, उसके बीच में छोटा सा कॉरिडोर है और बहुत ही घना जंगल है, उसके बीच में ये वाटरफॉल्स हैं और ये वाली सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। ये है जी यहाँ का सबसे टॉप का व्यू, और मीन्स टॉप पे आके और 7 वाटरफॉल्स, नीचे से ट्रैक स्टार्ट होता है, इसको सॉर्ट ऑफ जो है ना हाइकिंग ही समझ लें। 7 वाटरफॉल है और जो लास्ट वाटरफॉल है वो रहा ये, यहाँ पे आके रास्ता ट्रैक जो है ना वो एंड हो जाता है और ये लास्ट वाला वाटरफॉल है। नहीं भाई इधर, ये भाई ने मुझे चाय पिलाई है, और ये वाले भाई और इनके फादर, इन्होंने चाय पिलाई है और इनको मैंने 100, इन्होंने पैसे नहीं ले रहे थे तो मैंने पाकिस्तानी 100 रुपीज़ का नोट दे दिया इनको, और ताकि वो वहाँ पे ऊपर लगा देंगे एज अ गिफ्ट दिया। और अब इन्हीं सीढ़ियों से वापसी का सफ़र शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं ऊपर, बच्चे भी है, फैमिली भी आई हुई है बहुत ज़्यादा, मीन नीचे तो काफ़ी सारा रश था तो मैं तो ऊपर आ गया। अच्छी जगह है टाइम स्पेंड करने के लिए, चाय शाय के लिए, चाय ही मिलेगी यहाँ पे, खाने वाने का इंतज़ाम नीचे एक दो रेस्टोरेंट हैं और उसके अलावा चाय ही मिलेगी यहाँ पे। Turning so